हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग लंचा को लोटस स्पीयर लेके जा रहा था। लंचा भागना चाहता था, बट लोटस स्पीयर जाने के बाद लंचा के पास भागने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। उसे वहाँ पर रुकना ही पड़ा। उन्हें पहुँचते पहुँचते रात हो गया था। उन लोगों ने लंचा को गेस्ट रूम पर शिफ्ट किया एंड लंचा ने डिनर अपने रूम पर ही किया। इसके लिए वो थैंकफुल है, क्योंकि उसे पता है कि फैमिली डिनर में विंग का वाइफ भी रहेगा, तो लंचा भी विंग की वाइफ को फेस करने के लिए रेडी नहीं है। डिनर के बाद लंचा ने अपने आप को पनिशमेंट दिया एंड हैंड स्टैंड करते हुए वो रूल्स को कॉपी करने लगा। वो सोच रहा था हैंड स्टैंड मोशन उनके बॉडी के लिए अच्छा भी है, उसका बॉडी और भी स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग एंड जियांग चेंग कुछ सेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाहर गए थे, तो लंचा यंगविंग में ऐसे ही घूम रहा था। उसके ऊपर नज़र रखने के लिए कोई था नहीं। वो ऐसे ही घूम रहा था एंड पुराने दिनों की बातों को याद कर रहा था। उसे याद आया कि एक बार विंग ने उसे इनवाइट किया था लोटस स्पीयर आने के लिए, तब वो लोग बहुत यंग थे। लंचा सोच रहा था अगर सब कुछ ठीक रहता दिन क्या विंग या लंचा फ्रेंड्स बन पाते, क्या वो दोनों ये भी दोस्त रहते। वो ये सोच ही रहा था तभी पीछे से जियानियाली आ गई। जियानियाली ने कहा, मो गोंगजा, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? लंचा ने यानली को वो किया और कहा, नहीं, मैं बस ऐसे ही आसपास देख रहा था, मुझे माफ़ करना अगर मैंने कोई गलती की है तो। तभी यानली ने कहा, ऑफ कोर्स नहीं, आप हमारे गेस्ट हैं, आप कहीं पर भी जाने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या आप अपने भाई से मिलना चाहेंगे। लंचा सोच रहा था, भाई? ओ हाँ, जिन जिश्वान। अभी तो लंचा मो शैनु है, तो जिन जिश्वान उसका भाई हुआ। लंचा को उससे मिलना चाहिए, उससे ना मिलना रूड होगा। एंड लंचा क्यूरियस भी था ये जानने के लिए कि जिनचिंग के साथ क्या एक्सीडेंट हुआ था एंड ट्विंग इस एक्सीडेंट को वेंचिंग के साथ रिलेट क्यों कर रहा है। तो लंचा ने पूछा, क्या वो मुझसे मिलना चाहेंगे? यानी ने स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स चाहेंगे, प्लीज़ मेरे साथ आइए मोशैनू। ये बोल के यानली लंचा को जिनचिंग के पास लेकर गया। उनके रूम पे जाते ही लंचा ने देखा कि जिन जिश्वान एक व्हील चेयर के ऊपर बैठा है एंड बुक्स पढ़ रहा है। लंचा ने देखा कि ये व्हील चेयर बाकी व्हील चेयर्स से डिफरेंट है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल एंड कंफर्टेबल है। एंड लंचा 100% श्योर था कि ये व्हील चेयर विंग नहीं बनाया है। फाइनली जिन जिश्वान एंड मो शैनु उर्फ लंचा एक दूसरे से मिले एंड बात किया। एंड लंचा ने कॉन्फिडेंटली कहा कि वो जिन गुआंग्या को पसंद नहीं करता। तो जिश्वान ने पूछा, तो तुमने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया था? अब लंचा कुछ कह नहीं पा रहा था, उसके पास कोई आंसर नहीं था। उसे नहीं पता कि मो शैनु ने इस बात को जिश्वान को क्यों नहीं बताया था, तो वो चुप रहा। बट जिश्वान ने ऑटोमेटिकली कहा, शायद तुम डर गए थे कि कोई भी तुम पर बिलीव नहीं करेगा। तभी यानी ने कहा, मो शैनु, मैं एंड आशुआन बहुत जल्दी, जस्ट 2 दिन बाद हम लालनिंग जाएंगे एंड तब हम आईओ से इस बारे में बात करेंगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ। लंचा सोच रहा था कि वो जिन गुआंगाओ के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। इनफैक्ट जब वो जिंदा था तब उसने अपने भाई को भी मना किया था उसके ऊपर ट्रस्ट ना करने के लिए, बट उसके भाई ने उसकी बात को नहीं मानी थी। एंड देन लंचा डेमोनिक कल्टिवेटर बना एंड उसके बाद जेवोचुन ने लंचा की बात को और भी ज़्यादा ट्रस्ट करना छोड़ दिया था। एंड अब 13 साल बाद वो वापस आया है एंड अभी वही जिन गुआंग्याओ चीफ कल्टिवेटर है। तो लंचा ने एक डीप शाई किया और कहा, थैंक यू सो मच, मैं आपके हेल्प को अप्रिशिएट करता हूँ। लंचा बस यही चाहता था कि मो शैनु का नाम क्लियर हो जाए एंड शायद उसके बाद उसके हाथ पे जो एक स्कार है वो भी गायब हो जाएगा। तो जिश्वान ने प्रॉमिस किया कि वो अपना पूरा कोशिश करेगा सच को बाहर लाने के लिए। देन जिश्वान ने एंड यानली ने लंचा को इन्वाइट किया सबके साथ लंच करने के लिए एंड लंचा के पास मना करने के लिए कोई एक्सक्यूज भी नहीं था, तो उसे हाँ बोलना पड़ा। दिन जियान यानली लंचा को रूम के बाहर लेकर गए एंड यानली के फेस में एक बहुत ही ऑडली क्यूरियस लुक था। एंड देन यानली ने स्माइल भी किया। लंचा को समझ में नहीं आया। यानली ने कहा, मो शैनु, आई थिंक लोटस स्पीयर में तुम पहली बार आए हो, लंच के लिए आए भी टाइम है, तो क्यों ना तुम लंच से पहले हॉट स्प्रिंग को एंजॉय करके आओ। लंचा को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। जब से लंचा जिंदा हुआ है उसे नहाने का मौका नहीं मिला है, तो अभी नहाने का आइडिया उसे बहुत अच्छा लग रहा था एंड हॉट स्प्रिंग तो और भी अच्छा आइडिया था।
तो वो मान गया। दिनयानी लंजे को हॉट स्प्रिंग में लेकर गई उसके लिए नहाने का सामान लेके। यानी लंजे को नहाने के सामान के साथ साथ एक सैंडलवुड सोप भी दिया था। एंड इतने सालों बाद अपने फेवरेट सैंडलवुड सोप के सेंट को स्मेल करने के बाद लंजे को बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो वो हॉट स्प्रिंग में नहाने के साथ साथ रिलैक्स भी कर रहा था। वो अपने आंखें बंद करके पानी में ही रिलैक्स कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लंजे रिलैक्सेशन में इतना खो गया था कि उसे पता भी नहीं चला कि पानी में उसके साथ साथ कोई और भी है। जब तक वो इंसान लंजे के बहुत करीब ना आ गया तब तक लंजे को पता भी नहीं चला। जैसे ही वो इंसान लंजे के करीब आया लंजे ने अपनी आँखें ओपन किया एंड ऑफकोर्स वो शेमलेस इंसान और कोई नहीं हमारा विंग था। उसने कहा, ओ शिट, आई एम सॉरी गोंगजा, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर हो। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया। लंजा बहुत चौंक गया था, वो इतना चौंक गया था कि उसने जल्दबाजी में विंग से दूर होने के लिए मूव किया एंड इसके वजह से वो एक पत्थर में स्लिप खा के नीचे गिरने ही वाला था। बट विंग के स्ट्रांग हाथों ने लंजे के वेस्ट को पकड़ लिया एंड लंजे को गिरने से बचा लिया। एंड अब लंजे ऑलमोस्ट बेहोशी होने वाला था क्योंकि वो एंड विंग एक ही स्ट्रीम में नेकेड है एंड विंग का नेकेड हाथ लिटरली लंजे के नेकेड बॉडी को टच कर रहा था। ये कोल्ड स्प्रिंग से भी ज़्यादा ही वर्स्ट है क्योंकि कोल्ड स्प्रिंग में लंजे विंग को जाने के लिए कह सकता था बट यहाँ पर लंजे वो कह भी नहीं सकता। बट कहीं ना कहीं लंजे चाहता भी नहीं था कि विंग उससे दूर जाए। उसे ये पल बहुत अच्छा लग रहा था, वो ऐसे ही हमेशा के लिए रहना चाहता था। तभी विंग ने लंजे के ईयर में डीप वॉइस से कहा, केयरफुल रहो। विंग के वॉइस सुनकर लंजे को लग रहा था कि अगर अभी विंग उसे पकड़ के ना रखता तो वो फिर से गिर जाता। फाइनली लंजे अपने सेंस में वापस आया। उसने अपने हेड को शेक किया एंड देन उसने विंग के हाथों को अपने बॉडी से अलग किया एंड देन वो स्प्रिंग से बाहर निकलने लगा। ये देख के विंग ने सैड होकर कहा, हे तुम कहाँ जा रहे हो, प्लीज़ तुम मेरी वजह से मत जाओ, अगर तुम चाहो तो मैं चला जाता हूँ। तभी लंजे ने कहा, नहीं, मेरा नहाना हो गया है। ये बोलते हुए लंजे ने विंग की तरफ देखा एंड विंग का हाफ बॉडी स्ट्रीम के ऊपर था तो लंजे विंग के नेकेड बॉडी को देख पा रहा था। विंग को देख के लंजे को रियलाइज़ हुआ कि लंजे ने लास्ट टाइम विंग को जैसे देखा था अब विंग वैसा नहीं रहा, अब वो बड़ा हो चुका है। वह भी बहुत ही टॉल एंड बोल्ड हो चुका है, उसका मसल्स और भी स्ट्रांग हो चुका है। देख के ही समझ आ रहा था कि विंग सालों से तलवारबाजी प्रैक्टिस करता है एंड नाइट हंटिंग करता है जिसकी वजह से वो और भी स्ट्रांग हो गया है। एंड इसका प्रूफ विंग के पूरे बॉडी में था, उसके पूरे बॉडी में नाइट हंट एंड तलवारबाजी का स्कार्स भी था। विंग के बॉडी के सामने मोशन का बॉडी बहुत ही फ्रेजाइल एंड स्मॉल है। लंजे ने अपने आइस को विंग के बॉडी से टर्न किया एंड वो स्ट्रीम से बाहर निकलने लगा एंड देन वो जल्दबाजी में कपड़े पहनने लगा। उसका हाथ लिटरली कांप रहे थे, वो अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने अभी अभी शर्टलेस विंग को देखा है। वो बस जल्दी कपड़े पहन के यहाँ से निकलना चाहता था। विंग लंजे को ही देख रहा था, वो लंजे को समझ आ रहा था तो लंजे के ईयर्स और भी रेड हो, वो विंग के आइस को अवॉइड करने लगा। तभी विंग ने कहा, गोंगजा। लंजे ने विंग को इग्नोर किया, वो बस कपड़े पहनने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कपड़े पहनने में उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। विंग ने फिर से कहा, हे मेरी बात सुनो, बट लंजे ने विंग की बात नहीं सुना तो विंग ने कहा, मुझे इग्नोर करना बंद करो। एंड तभी लंजे ने कहा, क्या है विंग। ये बोलते ही लंजा फ्रोज हो गया। उसे रियलाइज हुआ कि उसने एक्सीडेंटली विंग का बर्थ नेम ले लिया है, बिल्कुल पहले की तरह। वो बस यही प्रे कर रहा था कि विंग इस बात को नोटिस ना करे। इस तरफ विंग जो कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शॉक्ड हो गया था एंड लंजा को ये देख रहा था एंड देन उसने एक ब्राइट स्माइल किया और कहा, ये कलर्स तुम पे अच्छा सूट कर रहा है एंड मुझे एडमिट करना ही पड़ेगा कि मेरे कपड़ों का चॉइस बहुत ही अच्छा है, बट आई थिंक ये कपड़े तुम्हारे बारे में थोड़ा सा बड़ा है। लंजा फ्रोंड हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने पहने हुए कपड़ों की तरफ देखा एंड वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसे रियलाइज हुआ कि अपने स्ट्रेट फेस को मेंटेन करते हुए, अपने सेल्फ कंट्रोल को मैनेज करते हुए उसने एक्सीडेंटली विंग के कपड़े पहन लिया है। कुछ सेकंड के लिए लंजा ऑकवर्डली विंग को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, कि उसे अभी विंग के सामने अपने कपड़े खोलना होगा।
वो ये सोच ही रहा था तभी विंग ने कहा, इट्स फाइन, तुम इन्हें अपने पास रख सकते हो, आई मीन मैंने उन्हें वॉश किया था तो वो क्लीन ही हैं। ये बोलते हुए विंग ब्लश कर रहा था एंड लंचा कहीं ना कहीं बहुत ही एम्बेरस फील कर रहा था, तो उसने कहा थैंक यू। ये बोलकर उसने टर्न किया जाने के लिए एंड वो वहाँ से निकल गया। एंड सच में वो कपड़े लंचा के बॉडी में बहुत ही बड़ा था, उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो एक बच्चा है जिसने अपने पापा के कपड़े पहना है। वो इन्हें चेंज करना चाहता था बट उसके पास और कोई कपड़े नहीं था एंड जियांग याली ने उसे सुबह ही न्यू कपड़े दिया था जिसके बदले उसने ये कपड़े पहन लिया है, तो फिर से उनके पास जाकर मांगना बहुत ही एम्बेरेसिंग होगा। उसने शाय किया एंड वो घर वापस आ गया एंड सुबह ही जियांग याली एंड जी निशुआन ने उसे लंच के लिए इन्वाइट किया है, तो वो डाइनिंग रूम पर चला गया। उसे देख के याली ने कहा, मो शियानू तुम बिल्कुल सही टाइम में आए हो। लंचा ने देखा कि डाइनिंग टेबल पे सिर्फ जियांग याली एंड जी निशुआन ही था, तो लंचा एक सीट पे जाकर बैठ गया। याली ने एक मिस्टीवियस स्माइल करते हुए कहा, मो शियानू आई होप तुम्हें हॉट स्प्रिंग अच्छा लगा है। लंचा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या याली ने यह सब जानबूझ के किया था, क्या उन्हें पता था कि विंग भी वहाँ पर जाएगा, बट एनीवेज लंचा ने इस सोच को डिसमिस कर दिया। देन कुछ मोमेंट बाद याली एंड जिनिशुआन दोनों ही लंचा के कपड़ों को देख रहे थे। जिनिशुआन ने कहा, अरे ये तो, तभी जिनिशुआन ने एक पेनफुली आवाज़ किया। तभी लंचा ने देखा कि याली जिनिशुआन को चुप कराने के लिए उसे पिंच कर रहा है। याली ने कहा, ये कपड़े बहुत ही अच्छे हैं, तुम पर अच्छा लग रहा है, अगर तुम्हें ऐसे कपड़े पसंद है तो मैं तुम्हारे साइज का ऐसे ही कपड़े लेकर आऊँगी। लंचा को बहुत एम्बेरस फील हो रहा था, उसने सिर्फ नोट किया। वो सोच रहा था काश वो ये लंच अपने रूम पे ही करता। फाइनली वहाँ पर जियांग चंग आ गया, वो भी अपने सीट पे जाकर बैठ गया बट वो खा नहीं रहा था, बट वो वहाँ पर बैठ के सिर्फ का कुछ काम कर रहा था। देन वहाँ पर सीजुई एंड जिलिंग भी आ गया, वो लोग भी अपने सीट पे जाकर बैठ गए। लंचा ने देखा कि सीजुई एंड लंचा के बीच में सिर्फ एक ही सीट खाली है एंड शायद ये सीट विंग के लिए है। लंचा को लग रहा था यहाँ पर एक साथ लंच करना उतना बुरा भी नहीं है। तभी लंचा को याद आया कि यहाँ पर तो विंग का वाइफ भी है, शायद वो भी यहाँ पर अभी आएगी। लंचा सोच रहा था काश वो स्ट्रीम में ही डूब कर मर जाता। देन याली एंड सीजुई खाने को सर्व करने लगे। याली ने कहा, आशियान कुछ टाइम बाद आएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तभी सीजुई ने कहा, मो चिनबेई आई डोंट थिंक आपने कभी मेरे बुआ के हाथ के सूप को ट्राई किया होगा, आज ट्राई कीजिए, वो दुनिया के सबसे बेस्ट सूप बनाती है, ट्रस्ट मी। ये बोल के सीजुई ने लंचा को एक सूप का बोल दिया। तभी याली ने कहा, सीजुई वेट, मुझे नहीं लगता कि शुयानू तुम्हारे यान तुम्हारे पापा के जैसे स्पाइसी खाना खाता होगा। तभी जिनलिंग ने कहा, उनके ऐसा स्पाइस कोई भी नहीं खाता। ये सुनकर याली ने स्माइल किया, उसने सीजुई के दिया हुआ बोल को साइड में रखा एंड देन याली ने एक स्पाइसलेस सूप का बोल लंचा को दिया। ये देख के लंचा को रिलीफ फील हुआ, फाइनली सूप में रेडनेस नहीं था, इसका मतलब सूप में स्पाइस नहीं है। तभी लंचा ने देखा कि सूप के अंदर कोई मीट भी नहीं है बट बाकियों के सूप के अंदर मीट है। ये देख के लंचा को बहुत ही स्ट्रेंज लगा, वो सोच रहा था कि याली को कैसे पता कि मो शियानू उर्फ लंचा वेजिटेरियन है। तो लंचा ने याली की तरफ देखा, उसके फेस को पढ़ने की कोशिश करने लगा। याली जो लंचा को ही देख रही थी, तो याली ने एक जेन्युइन स्माइल किया। सब लोगों ने खाना खाना स्टार्ट किया, लंचा ने भी, एंड लंचा को रियलाइज़ हुआ कि ये सूप सच में बहुत टेस्टी है। इनफैक्ट इसमें मीट एंड स्पाइस भी नहीं है, स्टिल ये बहुत टेस्टी है। अब लंचा को समझ में आ रहा था कि विंग का ये सूप इतना फेवरेट क्यों है। दिल लंचा ने एक और सीप लिया सूप का एंड तभी वहाँ पर विंग आया। विंग को देखकर लंचा के मुंह से सूप निकलने ही वाला था बट एनीवेज उसने सूप को ड्रिंक कर लिया, बट जिलिंग अपने को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसके मुंह से सूप निकल गया एंड वो जोर जोर से खांसने लगा। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, ये तुमने क्या पहना है। जिनलिंग जियांग चेंग एंड उसके पापा जिंग जिशन के एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है सिवाय यानली एंड सिजुई का। सिजुई बहुत ही स्माइल करते हुए देख रहा था एंड यानली लंचा को ही देख रहा था उसके रिएक्शन को देखने के लिए। ये देख के लंचा सोच रहा था
कि यानली का बिहेवियर लिंजो कहीं ना कहीं डरावना लग रहा था। तभी जेंग चेन ने कहा, यू नो व्हाट, मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता, कुछ भी मत बोलना, इन सब चीज़ों के लिए अब मेरा उम्र नहीं रहा। ये बोल के कंटिन्यू जेंग चेन अपने काम करने लगा। ये देख के विंग ने कहा, सो ड्रामाटिक, तुम मुझसे छोटे हो चेंग चेंग। तभी जिन ईश्वर ने कहा, नहीं सीरियसली, तुमने ये क्यों पहना है, हम लिटरली यहाँ पर शांति से लंच करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली विंग ने लंजर कपड़े पहना था। तो विंग ने शेमलेसली स्माइल करते हुए कहा, हे ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ओके, हमारे कपड़े मिक्स हो गए थे एंड मैं लंच के लिए लेट हो रहा था। ये बोलते हुए विंग शेमलेसली स्माइल करने लगा। विंग ने लंजर कपड़े पहना था एंड लंजर कपड़ा उसके बॉडी में बहुत ही छोटा है, तो विंग के ज़्यादातर स्किन विजिबल थे, स्पेशली विंग के चेस्ट क्लियरली दिख रहे थे। उसके साथ साथ विंग के चेस्ट में ब्रांड मार्क भी, जो उसके हार्ट के पास है। विंग के बातें सुनने के बाद जियांग चैंग, जिन लिंग एंड सीजन ने नोटिस किया कि लंजे ने भी विंग के कपड़े पहना है। अब वो लोग लंजे कपड़े को देखने लगे एंड लंजा अपना पूरा फोकस सूप पे करने लगा, वो सबके आइज को अवॉइड करने लगा। विंग लंजे के पास आकर बैठ गया। उसने कहा, सीजीए अपने सबको सूप ऑलरेडी दे दिया है, क्या मेरे लिए एक भी सूप नहीं है? शुआन ने कहा, तुम लेट आए, ये तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो विंग टेबल के इस पार से उस पार तक जिन ईश्वर पर अटैक करने लगा एंड उसके हाथ से सूप को छीनने की कोशिश करने लगा। जिश्वान ने कहा, आली अपने मैड डॉग को कंट्रोल करो, ये सिर्फ तुम्हारे बात को ही सुनता है। ये बोलते हुए जिश्वान अपने सूप को बचाने की कोशिश करने लगा। तभी विंग ने कहा, तुम मेरे सीजीए के सूप को रिजर्व नहीं करते पीकॉक, मुझे दो। उन लोगों के नोकझोंक देख के लंजा स्माइल करने लगा, स्पेशली विंग के एंटिक्स को देखकर। वो सोच रहा था, चाहे विंग कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, अंदर से वो अभी बच्चा ही है एंड लंजा को इसी विंग से प्यार हुआ था। तभी यानली ने टीज करते हुए कहा, तुम दोनों रुक जाओ, शियान शियान, ऐसा कभी हुआ है कि मैं सूप बनाऊं एंड तुम्हारे लिए ना रखूं? एंड देन सब लोग लंच को एंजॉय करने लगे। बहुत टाइम हो गया था और कोई डाइनिंग रूम पे नहीं आ रहा था। ये देख के लंजा ने विंग से पूछा, तुम्हारा वाइफ कहाँ पर है? ये सुनकर विंग सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, मेरा क्या? सीजी ने भी लंजा के क्वेश्चन को सुन लिया था, तो वो लीन्ड हुआ एंड उसने कहा, मो चिनबेई, मेरे बाबा मैरिड नहीं हैं, जब मैं बहुत छोटा था तब उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। ये बोल के सीजी ने स्माइल किया। ये सुन के लंजा पहले शॉक्ड हो गया, देन उसने एक डीप एंड रिलैक्सिंग ब्रेथ लिया। वो सोच रहा था कि विंग मैरिड नहीं है, इसका मतलब अभी भी लंजा के पास एक चांस तो है। लंजा ये सोच ही रहा था तभी विंग ने कहा, गोंगजा, क्या आप जेलस हैं? अगर मैं मैरिड होता भी तब भी मैं आपके लिए टाइम निकाल ही लेता, आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये बोलकर विंग ने एक टीसिंग स्माइल किया एंड विंग के बातें सुन के शिजुई ब्लश करने लगा। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, शेमलेस। ये सुनकर विंग ने एक जेन्युइन स्माइल किया। उसने कहा, हाँ मैं शेमलेस हूँ, ये न्यू बात तो नहीं है, राइट? ये सुनकर रंजन ने कुछ कहा नहीं, उसने खाने पे फोकस किया। फाइनली सबके लंच हो जाने के बाद विंग ने कहा, हे मोशियानु, मेरे साथ चलो, जो कोई भी लोटस पियर पहली बार आता है वो इस सुओ हुओ जून से एक स्पेशल टूर डिजर्व तो करता ही है। ये सुनकर जिशुआन फ्रंट हो गया। उसने कहा, मुझे तो कोई टूर नहीं मिला था। विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुझे अच्छे लगते हैं, तुम्हारे लिए नहीं। ये बोल के विंग ने एक स्पून जिशुआन की तरफ थ्रो किया। ये देख के याली ने अपने हेड को शेक किया और कहा, तुम दोनों बच्चों से भी बदतर हो। देन विंग लंजे को खींचकर बाहर लेके जाने लगा। उसने कहा, गोंगजा चलो। तभी लंजे के इयर्स रेड हो गए। उसने कहा, वेट, पहले चेंज कर लेते हैं। ये सुनकर विंग हंसने लगा। देन वो दोनों साथ में अपने अपने रूम पे जाने लगे एंड इस पूरे जर्नी में विंग सिर्फ हंस ही रहा था। लंजो को याद है जब फर्स्ट टाइम विंग ने उसे लोटस पियर में इनवाइट किया था, तब लंजो को बहुत अच्छा लगा था। बट इन द नेक्स्ट मोमेंट विंग ने यह भी कहा था कि यांग मैंग में बहुत ही प्रिटी गर्ल्स भी है एंड ये सुनकर लंजो को गुस्सा आ गया था। बट लंजो को अपने पिछले लाइफ में कभी भी यांग मैंग में आने का मौका भी नहीं मिला, इसके लिए लंजो को बहुत ही रिग्रेट फील होता था। लंजो हमेशा अपने आप को कहता था कि वो एक दिन ना एक दिन ज़रूर जाएगा, वो यही कह के अपने आप को एश्योर करता था। एंड देन लंजा का मौत हो गया
एंड अब 13 साल बाद फाइनली उसे ये चांस मिला यांगमिंग आने का एंड विंग के साथ उसके फेवरेट प्लेसेस देखने का। तो विंग बातें करते हुए लंजर को ऐसे ही यांगमिंग घुमा रहा था एंड उसके बेस्ट प्लेसेस दिखा रहा था। दिन वो लोग मार्केट में गए जहाँ पर वो लोग पैनकेक्स खा रहे थे। लंजर के एक पैनकेक फिनिश करते करते विंग का 3 पैनकेक फिनिश हो गया। लंजर को रियलाइज़ हुआ कि वो शॉपकीपर विंग को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो दोनों बहुत बातें कर रहे थे। इनफैक्ट वो विंग से मनी भी नहीं ले रहे थे। देन विंग लंजर को एक क्लोथिंग शॉप में लेकर गया लंजर के लिए कपड़े खरीदने के लिए। लंजर ने विंग को बहुत बार कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, उसे और कपड़े नहीं चाहिए, यही उसके लिए ठीक है। बट विंग नहीं माना। उसने कहा, नॉनसेंस, सीजीओ को बुरा लगेगा अगर हम खाली हाथ घर वापस गए तो। लंजर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने अपने लिए बहुत ही सिंपलेस्ट कपड़े लिया, सबसे सिंपल एंड चीप कपड़े। एंड विंग को ये अच्छा नहीं लग रहा था, बट लंजर नहीं चाहता था कि विंग बेकार में और पैसे खर्चा करे। तो विंग ने कहा, ये सारे कपड़े बहुत ही प्लेन हैं। अच्छा ठीक है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक कपड़े खुद चूज़ करूँ। लंजर मना करने ही वाला था तभी विंग ने कहा, तुमने उन बच्चों को बचाया है ना, तो ये उसके लिए गिफ्ट है, अब तुम मना नहीं कर सकते। तो लंजर ने हार मान लिया। देन विंग ने एक कपड़े चूज़ किया एंड वो देख के लंजर शॉक्ड हो गया था। वो कपड़ा बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ही एक्सपेंसिव फाइन वाइट सिल्क से बना हुआ था, जिसके स्लीव्स भी बहुत लंबे थे, ग्राउंड तक को टच कर रहे थे, जिसका सैश पेल ब्लू कलर का था एंड उस कपड़े के ऊपर सिल्वर लोटस का डिज़ाइन किया हुआ था। ये कपड़ों का सेट बहुत हद तक लान क्लाइन के कपड़ों के सेट की तरह दिख रहा था। देख के लग रहा था ये लान क्लाइन का कपड़ा है। लंजर सोच रहा था, विंग मो शैनो के लिए ऐसा कपड़ा क्यों चूज करेगा। तभी विंग ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, इन्हें देख के लग रहा है कि तुम किसी शोक मनाने जा रहे हो। जब मैं घुस में पड़ता था तब मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनता था। इन कपड़ों से मुझे पुराने दिनों की अच्छी यादें याद आ गई। ये सुनकर लंजर को बहुत अच्छा लग रहा था। लंजर सोच रहा था, विंग के लिए गुस्सू की यादें अच्छे हैं, पर लंजर को जितना याद है विंग को गुस्सू में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तभी विंग ने एक मिस्चिवियस स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें मेरे कपड़े पसंद है राइट, देन मुझे तुम्हारे लिए वही कपड़े खरीदना चाहिए जो मैं पहना करता था। इस सुनकर लंजर ब्लश करने लगा। लंजर सोच रहा था, विंग उसके लिए उसके ऐसा कपड़े खरीद रहा है, इसका क्या मतलब है। तो लंजर ने एक स्मॉल स्माइल किया एंड वो वहाँ से आगे जाने लगा। विंग ने कपड़ों के लिए पे किया एंड शॉपकीपर ने प्रॉमिस किया कि वो नाइट फॉल से पहले वो कपड़े लंजर के साइज में फिट करके घर डिलीवर कर देंगे। दिन लंजर एंड विंग ने फिर से अपनी जर्नी शुरू किया एंड विंग कंटिन्यू बातें किया जा रहा था। वो लोग एक लेक को क्रॉस कर रहे थे। जाते जाते विंग ने कहा, मैं प्रैक्टिकली इन लेक्स के बीच में ही बड़ी हुई हूँ। अरे वो देखो, यही वो लेक है जहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम वाटर घोस्ट से लड़ा था एंड यही वो जगह है जहाँ पर मैंने जियांगचेन को पुश कर दिया था, क्योंकि जियांगचेन ने मुझे कहा था कि वो मेरे पीछे डॉग छोड़ देगा, तो मैंने उसे यहाँ पर फेंक दिया था। ये बोलते हुए विंग हंस रहा था। लंजर को बहुत अच्छा लग रहा था, वो विंग के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, वो सब कुछ जो उसे पहले जानने का मौका नहीं मिला था। विंग ने कहा, क्या तुमने पहले कभी लोटस सीड्स ट्राई किया है, इस लेक का लोटस सीड्स मेरा फेवरेट है। तभी लंजर ने सॉफ्टली कहा, किया है। ये सुनकर विंग पॉज्ड हो गया। उसने लंजर की तरफ देखा और कहा, किया है, बट आई डोंट थिंक तुमने कभी लोटस पॉन्ड्स तुम्हें कभी मिला होगा, आई मीन मो विलेज में। तभी लंजर ने कहा, किसी ने कहा था उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो हम नेक्स्ट विलेज में गए थे ट्राई करने के लिए। ये सुनकर विंग के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया, उसका एक्सप्रेशन अनरेबल था। दिन कुछ सेकंड बाद उसने स्माइल किया और कहा, वेल आई एम श्योर तुम्हें इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। इस बार विंग का वॉइस बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही हस्की था, जैसे कि वो रोना चाहता है। ये देख के लंजर ने कहा, क्या तुम्हें ठंड लग गया है, क्योंकि विंग के आंखों से आंसू निकल रहा था। तभी विंग ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं आई थिंक कुछ डस्ट मेरे आंखों में चला गया होगा, इसलिए डोंट वरी। देन जब विंग लोटस सीड्स तोड़ रहा था तब लंजर विंग को एक अजीब सा लुक दे रहा था। ये देख के विंग ने कहा, डोंट वरी
मैं इनके लिए पे कर दूंगा, मैं चोरी नहीं कर रहा। देन वो दोनों फिर से चलने लगे। देन जलते जलते विंग लोटा सीड्स छील के लंजा को दे रहा था खाने के लिए, बट उसने एक पीस भी खुद नहीं खाया। ये देख के लंजा को बहुत ही अजीब लगा, तो विंग ने कहा, इट्स फाइन, मैंने हमेशा ही खाता हूँ, इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें टेस्ट करो। ऐसे चलते चलते वो लोग फिर से एक मार्केट में आ गए। वहाँ पर एक वेंडर ट्रिंकेट्स एंड तलिस्मान्स बेच रहा था। विंग ने कहा उसे कुछ खरीदना है तो वो अभी वापस आएगा। देन विंग वहाँ से चला गया। लंजा वहाँ पर ही खड़ा था। लंजा जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर खड़ा होके एक इंसान तलिस्मान्स बेच रहा था एंड कुछ पोर्ट्रेट्स बेच रहा था। लंजा का ध्यान उस पर नहीं जाता अगर वो इंसान ये नहीं कहता कि वो हे योलांग का पोर्ट्रेट्स बेच रहा है। जैसे उसने ऐसा कहा लंजा उसके पास गया। वो इंसान चिल्ला चिल्ला के सबको कह रहा था, मेरे पास स्फियरसम हे योलांग का पोर्ट्रेट्स हैं, इन्हें आप अपने दरवाजे के ऊपर टांग देना, दिन कोई भी इविल स्पिरिट्स आपके घर पे नहीं आएगा। एक पीस का प्राइस है 3 सिल्वर्स, एक हे योलांग का पोर्ट्रेट्स का प्राइस है 3 सिल्वर्स। वो इंसान चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा था। लंजा ने एक पोर्ट्रेट अपने हाथों में लिया। लंजा सोच रहा था अगर उसके अंदर सालों का सेल्फ कंट्रोल ना रहता तो शायद वो यहाँ पर एक वार ही खड़ा कर देता। वो सोच रहा था वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था, वो सच में बहुत ब्यूटीफुल था। जैसे अदर्स लोगों को अपने स्माइल के वजह से कम्प्लीमेंट मिलता है, लंजा को अपनी ब्यूटी की वजह से कम्प्लीमेंट मिलता था, बट ये चीज़ उसके लिए कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं था। उसके प्रीवियस लाइफ में उसके ब्यूटी के लिए उसे बहुत कम्प्लीमेंट मिलता था। लोग उसके ब्यूटी को लेकर पोइट्स बनाया करते थे। उसके गुड लुक्स हर जगह फेमस था, बट वो इसको लेकर कभी भी सोचता नहीं था। बट आज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। उसके हाथ में उसका जो पोर्ट्रेट था वो बहुत ही अगली था। एक डेमन भी उससे अच्छा दिखता है, ये कोई इंसान का पोर्ट्रेट था ही नहीं। इसका फेस बहुत ही अजीब था एंड वैसे भी झूठ बोलना मना है एंड ये शॉपकीपर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। तो लंजा ने ब्लंडली कह दिया, ये वो नहीं है। तो उस वेंडर ने कहा, ऑफ कोर्स ये वो है, यू नो व्हाट, मैं तुम्हें 5 सिल्वर्स में 2 पोर्ट्रेट्स दे दूंगा, ओके। ये सुन के लंजा ने ग्लेयर करते हुए कहा, तुम उस इंसान के बारे में झूठ बोल रहे हो जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं है। अब वो वेंडर इरिटेट होने लगा। उसने कहा, जैसे कि तुमने देखा है, तब शायद तुम एक छोटे बच्चे थे जब हे योलांग का डेथ हुआ था, तुम्हें पता ही क्या है। तभी पीछे से किसी और वॉइस ने कहा, वेल मुझे पता है एंड मैं तुम्हें श्योरली कह सकता हूँ कि वो ऐसा नहीं दिखता था। ये वॉइस ऑफकोर्स विंग का था जो लंजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसने विंडर के हाथ से एक पोर्ट्रेट लिया एंड उसे देखने लगा एंड लिटरली वो बहुत गुस्सा हो गया। उसके फेस में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने कहा, ये लांग वांग जी है, क्या तुम इडियट हो? मैं समझ सकता हूँ कि तुमने कभी उसे देखा नहीं था, बट क्या तुमने उसके बारे में कभी सुना नहीं था? वो लिटरली हमारे जनरेशन का 2nd most eligible बैचलर था। उसके ऐसा ब्यूटी किसी और के पास था ही नहीं। उसका गुड लुक्स हर जगह फेमस था। हमारा यंगर जनरेशन उसके बारे में क्या सोचेगा? ये सुन के लंजा ने कहा, शुन हुओ जुन, सीक्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, जाने दीजिए। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स ज़रूरत है। उसने विंडर की तरफ देखा और कहा, कल तुम यहाँ पर ही वेट करना, कल मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो कैसा दिखता था एंड देन तुम उन्हें सेल करना। ये बोल के विंग ने सारे पोर्ट्रेट्स हवा में उड़ा दिया। विंडर ने क्यूरियसली पूछा, आप उसे जानते थे? विंग ने कहा, हम दोनों ने सनशॉट कैंपेन में एक साथ फाइट किया था, ऑफ कोर्स मैं लंजा को जानता हूँ। लंजा ये देख के स्टंट हो गया कि विंग कैसे इजीली सबके सामने पब्लिक में ये चीज़ अनाउंस कर रहा है, वो भी उस इंसान के बारे में जिसको लेकर पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड डरता है, जिसे सब लोग हेट करते हैं। क्या विंग लंजा को मनी मन में अपने दोस्त मानता है? विंग ने विंडर से कहा, मैं कल तुम्हारे पास उसका ड्राइंग लेकर आऊँगा, भागना मत, कल यहाँ पर ही रहना। ये बोल के विंग ने श्रेत दिया ड्रामेटिकली। दिन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, एनीवेज मैंने तुम्हें कहीं भी यहाँ पर देखा नहीं था, तुम कहाँ से आए हो? उस वेंडर ने गुस्से में कहा, मैं चिंगजे से आया हूँ, वहाँ के सिख लीडर ने मुझे वहाँ से निकाल दिया क्योंकि मैंने हे योलांग का नाम लिया था। ये सुन के रंजन ने शाई किया। वो सोच रहा था उसका ब्रदर इन लॉ उसके नाम तक को टॉलरेट नहीं कर पाता।
एंड ये बात सुनते ही विंग लंजो को खींच के वहाँ से लेकर गया। ये देख के लंजो को बहुत ही अजीब लगा, तो विंग ने कहा उसे और भी चीज़ें दिखाना है लंजो को। दिन धीरे धीरे विंग मार्केट छोड़कर लंजो को एक फॉरेस्ट में लेकर आया एंड वो लोग एक लंबी सी ट्री के सामने आकर खड़े हो गए। विंग ने कहा यही वो लास्ट प्लेस है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, इस ट्री पे मैंने एक बार चढ़ा था। ये सुन के लंजो ने कहा यहाँ पे आते वक्त तुमने हर ट्री चढ़ा है। ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा वेल ये मेरे लिए स्पेशल जगह है, लोटस पे आने के बाद यही वो पहला ट्री है जहाँ पर मैं पहली बार चढ़ा था, क्योंकि जियांगजंग गुस्सा हो गया था बिकॉज मेरे वजह से उसके डॉग्स को वहाँ से निकाल दिया गया था, तो उसने मुझे थ्रेट दिया था कि वो मेरे पीछे डॉग छोड़ देगा एंड मैं डर गया था तो वो वहाँ से भाग कर यहाँ पर आ गया था एंड इस ट्री के ऊपर चढ़ गया था एंड आई थिंक मैंने अपना जूता भी खो दिया था। दिन सीजे मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी एंड उन्होंने मुझे नीचे उतरने के लिए कहा एंड तब सीजे बहुत छोटी थी तो जब मैं नीचे गिरा वो मुझे पकड़ नहीं पाई एंड मैंने अपना पैर तोड़ दिया, बट वो मुझे कैरी करके घर लेकर गए। ये सुनकर लंजो को अच्छा लगा, उसे पता था कि यानली बहुत ही काइंड है। इनफैक्ट वॉर के वक्त लंजो ने खुद देखा था कि यानली बिना डरे सबके ऊंट को ट्रीट कर रहे थे, सबके लिए खाना बना रहे थे, हर एक को हेल्प कर रहे थे। अब लंजो समझ पा रहा था कि विंग अपने बहन से इतना प्यार क्यों करता है, क्योंकि उसके बहन के ऐसा विंग को और कोई समझ ही नहीं पाता। उसके बहन उसे अनकंडीशनली प्यार करती है, लंजा सोच रहा था। लंसजन भी ऐसा ही था, वो लंजे के दिल को सबसे पहले समझ जाते थे एंड सिर्फ वही लंजे को समझते थे। लंजे ये सोच ही रहा था तभी विंग ने स्माइल करते हुए कहा क्या तुम इस ट्री पे चढ़ना चाहोगे, डोंट वरी अगर तुम गिर गए तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। ये सुनकर लंजे ने क्लियर किया, वो सोच रहा था वो इडियट नहीं है जो बिना किसी काम के इस ट्री पे चढ़ेगा। पर जैसे विंग ने कहा कि वो उसे पकड़ लेगा, लंजे को अंदर अंदर अच्छा लगा, पर उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। जैसे वो लोटसपियर के गेट के सामने गए उनके अंदर जो पीस था वो टूट गया, क्योंकि उनके पास दौड़ते हुए सीजू ही आया। उसने कहा बाबा हम आपको ढूंढने के लिए ही आ रहे थे, वो हाथ जो हम मो विलेज से लेकर आए थे वो। इस सवेरे सीजू अपने बात को फिनिश करता लंजे एंड विंग वहाँ से दौड़ते हुए अंदर चले गए। वो लोग वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर यह सब हो रहा था। विंग ने पूछा क्या हो रहा है, विंग देख पा रहा था कि वो हाथ कोर्टयार्ड के मिडिल में है एंड जियांगजंग अपने जीरियान से उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जियांगजंग ने चिल्लाते हुए कहा जैसे कि मुझे पता है क्या हो रहा है। विंग ने अंदर ही अंदर कर्ज किया, फिर उसने चेंजिंग निकाला एंड वही सॉन्ग प्ले करने लगा जो उसे जेवोचुन ने सिखाया था बहुत साल पहले। तभी कहाँ से जिनलिंग दौड़ते हुए लंजे के पास आया उसके जीटर लेके एंड लंजे को दिया और कहा ये लो। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया कि जिनलिंग उसके पास आया उसके जिटर लेके। तभी जिनलिंग ने कहा मुझे ऐसे मत देखो, मेरे अंकल को हेल्प करो, तुमने पहले भी ऐसा किया था ना। लंजा ने कुछ कहा नहीं, उसने जिटर को एक्सेप्ट किया एंड वो भी प्ले करने लगा ग्राउंड पे बैठ के। अनफॉर्चुनेटली मोशनू का बॉडी उसके साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रहा था, वो बहुत ही बुरा प्ले कर रहा था। इनफैक्ट ये देख के विंग खुद पॉज्ड हो गया था एंड वो लंजा को देखने लगा, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। दिन कुछ सेकंड बाद विंग फिर से प्ले करने लगा एंड लंजा के प्ले सुनकर जियांगजंग ने अपने कानों को अपने हाथों से ढक लिया, क्योंकि लंजा बहुत ही टेरेबली प्ले कर रहा था। जियांगजंग ने कहा एंड ये मिंजो को लगता है ये लांग वांग जी है। हाँ लंजा का मन कर रहा था कि वो जियांगजंग की तरफ कुछ थ्रो करे एंड उसे बेहोश कर दे। फाइनली लंजा ने विंग के प्ले करने की वजह से वो हाथ शांत हुआ। तभी जियांगजंग ने कहा इसके अंदर बहुत रिसेंटफुल एनर्जी है, क्या हमें इसे लेकर घुसू जाना चाहिए, आई थिंक हम वहाँ पर जाके इसके स्पिरिट को ढूंढ सकते हैं एंड देन आगे बढ़ सकते हैं। तभी विंग ने अपडेट को शेक किया, उसने कहा ये हाथ इनफ नहीं है, हमें इसके पूरे बॉडी को ढूंढना होगा, मुझे लगता है कि ये हाथ चाहता है कि हम इसके बॉडी को ढूंढे। तभी जियांगजंग ने पूछा एंड तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये हाथ तुम्हें कहाँ लेकर जाना चाहता है। तभी लंजे ने कहा नॉर्थ वेस्ट। सब लोग लंजे को देखने लगे, लंजे ने हाथ की तरफ पॉइंटिंग की और कहा वो हाथ हमें वहाँ पर ही पॉइंट कर रहा है, वो हमें वहाँ पर लेके जाना चाहता है। ये देख के जिनलिंग ने बहुत कोशिश किया उस हाथ को किसी और तरफ टर्न करने का, बट वो हाथ स्टबर्नली नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही पॉइंटिंग कर रहा था। ये देख के विंग ने कहा ठीक है, दिन कल सुबह मैं इस हाथ को अपने साथ लेकर निकलूंगा, इसे यहाँ पर रख के जाना डेंजरस होगा, शायद कल मुझे कोई क्लू मिल जाए।
जेंग चेन ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूँगा, बट नेक्स्ट डिस्कशन कॉन्फ्रेंस कुछ महीने बाद ही है एंड मुझे सीजीओ को हेल्प करना है लर्निंग में, तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाऊँगा। विंग ने कहा, कोई बात नहीं। देन विंग ने अपनी मैजिकल पाउच में उस हाथ को रख दिया। फाइनली सब लोग कोर्टियर से चले गए सिवाय सिजुई के एंड लंजा के। सिजुई वहाँ पर ही खड़ा था एंड उसी प्लेस को देख रहा था जहाँ पर वो हाथ था। लंजा उसके पास आया एंड पूछा, क्या बात है, परेशान क्यों हो? लंजा के वॉइस सुन के सिजुई चौंक गया। उसने कहा, ओह मो चिंगबेई, नहीं कुछ नहीं। लंजा देख रहा था कि सिजुई बिल्कुल अपने पापा की तरह है, वो अपना प्रॉब्लम किसी को बताता नहीं। लंजा ने कुछ टाइम के लिए सिजुई के फेस को स्टडी किया। सिजुई का फेस बहुत ही एक्सप्रेसिव है एंड उसके इमोशन उसके आईज में साफ दिखता है। लंजा ने कुछ टाइम के लिए सिजुई को रीच किया एंड देन उसने कहा, उस हाथ का मो विलेज में आना तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। ये सुनते सिजुई शॉक्ड हो गया। उसने कहा, आपको कैसे? एनीवेज नेवर माइंड, हमने वहाँ पर स्पिरिट एट्रैक्शन फ्लैग रखा था एंड उसकी वजह से ही वो हाथ वहाँ पर गया था। वहाँ पर सारे डेथ्स हमारे वजह से हुआ है, ये हमारा फॉल्ट है। लंजा सोच रहा था, वो एंड बाकी लोग वार में फुल्ली लड़े थे ताकि फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो लोग पीस में रहे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लंजा को पता नहीं इस केस के एंड में क्या होने वाला है एंड लंजा नहीं जानता कि तब तक कितने सारे बच्चों को अपनी इनोसेंस खो के इस वॉर में लड़ना पड़ेगा, ये सब फेस करना पड़ेगा, ये सब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। लंजा को बुरा लग रहा था। लंजा ने कहा, किसी और के एक्शंस के जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लो, इसका फॉल्ट तुम्हारा नहीं है बल्कि जिसने इस हाथ को वहाँ पर रखा था उसका है। ये सुन के सिजुई ने एक स्मॉल स्माइल की और कहा, थैंक यू मो चिंगबेई। लंजा ने नोट किया एंड वो वहाँ से चला गया अपने रूम पे। लंजा के जाने के बाद सिजुई को रियलाइज़ हुआ कि अभी भी लंजा ने जो कुछ भी कहा है वो तो लान क्लैन के रूल है, क्योंकि सिजुई ने गेस्ट लेक्चर्स में लान क्लैन का क्लास अटेंड किया था। उसने वहाँ पर बहुत बार लान क्लैन के रूल्स कॉपी की थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि सीनियर मो ने लान क्लैन के रूल बोलकर उसे कम्फर्ट क्यों किया एंड सबसे बड़ी बात, उन्हें लान क्लैन का रूल कैसे पता। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।